गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में जो कार्नोट साइकिल टॉपिक चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि कार्नोट साइकिल के जो चारों प्रक्रम हैं वो किस तरह से कंप्लीट होते हैं और उसमें किया गया कार्य कितना होता है। आज हम पढ़ेंगे टोटल वर्क डन इन ए कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल में किया गया कुल कितना कार्य है। तो जो W बराबर है कुल किया गया कार्य गैस के द्वारा, तो W1 समतापी प्रसार में, W2 रुद्धोष्म प्रसार में, ये दोनों प्रसार में किए गए कार्य गैस के द्वारा, और ये W3 समतापी संपीड़न में, ये W4 रुद्धोष्म संपीड़न में, दो संपीड़न में किया गया कार्य, दो प्रसार में किया गया कार्य। अतः कुल किया गया कार्य W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W1 और W3 जो हैं वो समतापी में किया गया कार्य, समतापी के लिए है, ये प्रसार में, ये संपीड़न में, तो W1 और W3 को यदि हम निकालें, W1 प्लस W3, W1 जो है वो समतापी प्रसार में किया गया कार्य, W1 बराबर Q1 है, तो Q1 और W3 ये क्योंकि गैस पर किया गया कार्य इसलिए माइनस माइनस Q2। इसका मान रखें W1 हमने निकाला, याद हो आपको, तो W1 जो हमने निकाला था समतापी प्रसार में, समतापी प्रसार में इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने पर तो ताप तो था इसका T1 और आयतन V1 से V2 चेंज हो रहा है, दाब P1 से P2 चेंज हो रहा है, तो इसका कार्य जो होगा वो होगा RT1, ताप T1 है, RT1 ln V2 अपॉन V1। Q2 है Q2 W3 समतापी संपीड़न में, समतापी संपीड़न में जो आयतन और दाब है P3 से V3 से P4 V4 हो रहा है, समतापी संपीड़न में जो हैं वह हैं कार्य V3 से V4, तो V3 से V4, और जो ताप है इसका सिंक का ताप है T2, जबकि समतापी जो प्रसार है उसमें जो ताप है वो सोर्स का ताप, संपीड़न में जो ताप है वो सिंक का ताप, तो यहाँ पर T2, तो ये आ जाएगा RT2 ln V3 अपॉन V4। तो यह है जो कार्य टोटल, ये हैं समतापी प्रसार और संपीड़न में वर्क डन आ गया। इसी तरह से हम रुद्धोष्म की बात करें, रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म संपीड़न, रुद्धोष्म प्रसार और रुद्धोष्म प्रक्रिया में किया गया कार्य W2 प्लस W4। तो W2 था रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य, रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य हमने निकाला था W2, जहाँ पर की जो ताप है वह जो चेंज हो रहा है वो T1 से T2 की ओर, R गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, और W4 जो है वो समतापी, ये समतापी W3 हो गया, वो समतापी के लिए हो गया संपीड़न में, और W4 हो गया रुद्धोष्म संपीड़न में। रुद्धोष्म संपीड़न में किया गया कार्य हमने निकाला था ताप वही T1 से T2 की ओर, यहाँ से T2 से T1 की ओर आएगा इसलिए नेगेटिव, तो R अपॉन गामा माइनस 1 सेम आएगा वर्क डन, R गामा माइनस 1 T1 से T2 माइनस आई, तो ये वाली और ये वाली टर्म कैंसिल। तो ये जो रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य प्रसार और संपीड़न में है वो जीरो, जबकि समतापी प्रोसेस में किया गया कार्य, समतापी में एक तो प्रसार और एक संपीड़न में किया गया कार्य का मान ये है। तो टोटल वर्क डन जो है W बराबर आ जाता है W1 प्लस W3, क्योंकि W3 प्लस W2 प्लस W4 तो जीरो आ गया, तो W1 प्लस W3 टोटल वर्क डन आ जाता है W1 प्लस W3। और कार्नोट साइकिल में जो किया किसी सोर्स से अवशोषित जो ऊष्मा है वो दो तरह से काम आती है, W और एक तो किया गया कार्य, और शेष बची ऊष्मा को सिंक में दे देते हैं, तो W बराबर होता है Q1 माइनस Q2। यहाँ से ये जो W है, W बराबर W1 प्लस W3, ये समतापी प्रसार, समतापी संपीड़न, ये बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q2, और इसका जो मान है वो आ जाएगा RT1 ln V2 अपॉन V1 माइनस RT2 ln V3 से V4 में हो रहा है, और ये V1 से V2 में हो रहा है। समतापी प्रसार में जो है वो T1 ताप सोर्स का ताप रहता है, संपीड़न में जो ताप है वो सिंक का ताप रहता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको।
अब हम आयतन में रिलेशन निकालते हैं, क्योंकि आयतन में रिलेशन निकालने के लिए रुदोष में परिवर्तन के लिए, रुदोष में परिवर्तन बराबर क्या होता है, पी वी गामा बराबर के कांस्टेंट। अब चूंकि गैस इक्वेशन होती है पी वी बराबर आर टी, तो यदि हम पी का मान रखें तो आर टी बराबर क्या हो जाएगा पी। इस पी का मान इस समीकरण में रखें तो पी का मान रखेंगे आर टी अपॉन वी, आर टी अपॉन वी, वी गामा पहले से हैं के, तो ये आ जाएगा आर टी, वी वाली टर्म में एक जगह ले जाए ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, गामा माइनस वन बराबर के, और आर चूँकि कांस्टेंट है तो ये उधर लेके जाएं तो ये के अपॉन आर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो रुदोष प्रक्रम के लिए एक और क्वेश्चन आ जाती है टी वी गामा माइनस वन बराबर कॉन्स्टेंट, ये रुदोष प्रक्रम के लिए। जब ये रुदोष प्रक्रम के लिए हैं तो रुदोष प्रक्रम के लिए हम टी वन रुदोष प्रक्रम, रुदोष प्रक्रम कहाँ हो रहा है, रुदोष प्रक्रम हमारे यहाँ पर स्टार्ट है, रुदोष प्रक्रम यहाँ पर स्टार्ट है। तो आयतन तो होता है इसका वी टू, ताप रहता है टी वन, तो टी वन वी टू गामा माइनस वन, ये एक रुदोष प्रक्रम हो गया यहाँ से। फिर जो रुदोष प्रक्रम है वो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर है तो टी वन वी टू गामा माइनस वन, इसका जो ताप है वो टी टू रहता है, टी टू वी थ्री गामा माइनस वन, टी टू वी थ्री गामा माइनस वन, ये भी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से टी वन अपॉन टी टू का जो मान है वो आ जाएगा वी थ्री गामा माइनस वन अपॉन वी टू गामा माइनस वन। तो टी वन अपॉन टी वन अपॉन टी टू बराबर वी थ्री वी टू गामा माइनस वन, ये हो गया हमारे पास में T1 अपॉन T2 में वैल्यू आ गई। जब T1 अपॉन T2 में जब ये मान आ गया है तो ये हमने रखा रुदोष में प्रसार में, अब हम रखते हैं रुदोष में संपीड़न में। रुदोष में प्रक्रिया के लिए जो इक्वेशन थी वो प्रसार और संपीड़न के लिए, प्रसार के लिए जब देखा तो हमारे पास में एक ये समीकरण आ गई T1 अपॉन T2। अब यदि हम संपीड़न में देखेंगे तो संपीड़न में देखेंगे तो कहाँ से, ये T2 से है, आयतन इसका P4 है, V4, V4 है, तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा T2 V4 गामा माइनस वन बराबर TV, यहाँ ताप जो पहुँच रहा है वो T1 तक, आयतन हो जाएगा V1, तो ये हो जाएगा T1 V1 गामा माइनस वन। तो अगर यदि हम यहाँ से T1 V1 निकालें तो उधर T2 को लेके जाएं, तो T1 अपॉन T2, T2 को उधर लेके जाएं और ये V4 गामा माइनस वन, V1 अपॉन गामा V1 पावर गामा माइनस वन को इधर लेके आए, तो ये आ गया T1 अपॉन T2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V4 अपॉन V1 गामा माइनस वन, तो एक ये समीकरण बन गई। T1 अपॉन T2, ये भी T1 अपॉन, ये भी T1, दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ये आ गया हमारे पास में V4 V1 गामा माइनस वन बराबर V3 V2 गामा माइनस वन, गामा माइनस वन गामा माइनस वन दोनों तरफ हो गए, तो ये आ जाएगा V4 अपॉन V1 V3 अपॉन V2, तो V2 अपॉन V1, V2 को उधर लेके गए, V3 अपॉन V4, तो ये जो कार्नोट साइकिल में V2 अपॉन V1 है ये बराबर होता है V3 अपॉन V4 की। इस V2 अपॉन V1 V3 अपॉन V4 का जो मान है वो हम रख देते हैं इस वर्ग टर्म में, यानी V2 अपॉन V1 में मान रखने पर, V2 अपॉन V1 में जब मान रखेंगे तो जो W है ये W हो जाएगा R T1 ln V2 अपॉन V1 की जगह आ जाएगा V3 अपॉन V4 माइनस आर टी टू ln V3 अपॉन V4। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो है R ln V3 अपॉन V4, और ब्रैकेट में बच गया T1 माइनस T2।
इसको हम लिख सकते हैं W बराबर R T1 माइनस T2 ln V3 अपॉन V4। तो ये हैं टोटल वर्क डन इन कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में किया गया संपूर्ण कार्य। तो जितनी Q1 ऊष्मा अवशोषित करने के बाद में ये कार्यकारी पदार्थ द्वारा किया गया कार्य इतना है, बाकी की बची हुई ऊष्मा को वो सिंक में दे देता है। सोर्स से ली इसने ऊष्मा और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने पर ये कार्नोट साइकिल जो है इसकी दक्षता बढ़ती जा वृद्धि होती है। आज के लिए थैंक यू।